धुएं में खाना बनाना महिलाओं पर हिंसा है। कुकिंग इन स्मोकी किचन इज वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो हमें तो सबसे बड़ा इशू लगता था कि धुआं और धुएं से प्रदूषण और पेड़ों का कटना। सबसे पहली बात उन महिलाओं ने हमें बताई कि हमारी इज्जत बच गई। बलात्कार, यौन हिंसा, सेक्सुअल हरासमेंट, तीन तीन चार चार दिन लगते हैं, जंगल बहुत दूर हो गए थे। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये बात बताती हूँ कि एक सोलर कुकर का कोई रिश्ता दुनिया में औरत की इज्जत के साथ भी है। मेरा नाम जनक परठा मघिलगन है। झाबुआ एक जिला से मैंने काम करना शुरू किया जहाँ पर ना तो बिजली थी, लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि उनको माँ के साथ लकड़ी लेने जाना होता था। जब मैं 302 गांव में 302 रात मैंने गुजारे और मैंने देखा कि वो लोग तो बहुत दूर से जाके लकड़ी लाते हैं और चूल्हे पे खाना बनाती हैं महिलाएं, एक तरफ तो उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दूसरी तरफ जंगल कटे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड जिमी मघिलगन जो ब्रिटिश सिटीजन थे, तो उन्होंने पहले एक इतना बड़ा सोलर किचन बनाया, एक डिश बहुत बड़ी शेफलर डिश बोलते हैं जो सूर्य के साथ अपने आप चलती है, तो जैसे धूप निकलती है उस पर आप सब बना सकते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद किसी को ये नहीं पता था कि वो यूज़ कैसे करने हैं, तो वो पड़े रहे लोगों के घरों में। और हमने उससे ये लेसन सीखा कि जो भी महिला कुकर ले जाना चाहेगी उसको पहले ट्रेनिंग लेना होगी कि कुकर यूज़ कैसे करना है, उसको अलाइन करना होता है सूर्य के साथ, उसको साफ़ कैसे करना है, उसको मोड़ना कैसे है, डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है। ये बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रेनिंग शुरू की। अपनी बेटियों को ट्राइबल एरिया से इंदौर भेजने पर उनको बहुत डर था, उनको खतरा था कि हमारी लड़कियों को ले जाएंगे, उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाएंगे, इनको बेचेंगे बाजार में। और जब मेरी शादी एक गोरे से हो गई, ब्रिटिश आदमी से, तो उनको पक्का ही था कि इनकी शादी वादी नहीं है, ठीक उनमें से पढ़े लिखे लोगों की ये लैंग्वेज ही, ये शादी वादी नहीं तो सेटिंग है इनकी, अपनी सब लड़कियाँ वापस मिलेंगी नहीं अपने को। लेकिन कुछ सालों के बाद हमने ये महसूस किया, उन्होंने इतना विश्वास तो करना शुरू किया, लड़कियों को भेजना शुरू किया। 500 गांव में 6000 लड़कियां हमारे से सीख के गई, और हम लोग भी जा के देख के आते थे, कुकर गांव में लग रहे थे, सारे कुकर काम कर रहे थे, बहुत लोग खुश थे। विश्व का कल्याण करना होगा सबको बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली। मैंने डिस्पोजेबल्स अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किए हैं, मेरी लाइफ में कचरा दान प्रैक्टिस में नहीं है, ट्रैश बिन नहीं है, क्योंकि हम कचरा नहीं करते हैं। जब मैंने ये समझा कि अभी हमारे पास जो चाहिए वो नहीं है, जितना पानी चाहिए वो नहीं है, क्लीन एयर उतनी नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो बच्चों को क्या देंगे आने वाली पीढ़ियों को। उसके बाद मैंने रीडिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को। जब मैं अपने आप को, मेरे परिवार को और मेरे गांव या समुदाय या मेरे देश को सस्टेनेबल बनाने में योगदान दूंगी, तो मैं इंसान हूँ। यही मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। जीत हार मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में कोई कंपटीशन नहीं था, मेरा किसी से मुकाबला नहीं था, मेरे को कभी टॉप आने की चिंता नहीं थी जीवन में। लेकिन जिस मकसद के लिए मैं निकली हूँ घर से, बस वो चलते रहना, पीछे अबाउट टर्न नहीं किया कभी। हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे,
एक चॉइस है, सिर्फ एक चॉइस, जीना कैसे, और वैसा जी रही हूँ और जब तक रहूँगी वैसा जीती रहूँगी।